हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुणा एबीसी आर्ट्स पर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज की क्रिएटिविटी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। गणपति फेस्टिवल बहुत नजदीक आ रहा है, तो हम गणपति जी को स्थापित करने के लिए एक मंदिर बनाएंगे, कुछ अलग तरीके का मंदिर बनाएंगे, अलग तरीके इनोवेटिव तरीके से हम कुछ डेकोरेशन बनाएंगे। तो इस डेकोरेशन सीखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें। आइए अब शुरू करते हैं हमारी क्रिएटिविटी। राखी फेस्टिवल बहुत नजदीक आ रहा है, तो राखी फेस्टिवल में लगाने के लिए आज हम सून बनाएंगे। हम तीन तरह का सून बनाएंगे, जो कि इस तरह का है। ये देखिए, इस तरह के हम तीन सून बनाएंगे। इसके लिए सामान में हमें बहुत थोड़ा सामान चाहिएगा। आपके पास कुछ भी बची कुची चीजें हो, आप उससे भी ये बना सकते हैं। जरूरी नहीं है पूरा नया लेके आना है आपको। देखिए, मैंने फोम शीट लिए, इसे स्क्वायर पीस किए। ये ओम भी रेडी मिलते हैं मार्केट में। इस तरह की चेन यूज की है इसके अंदर मैंने। इस तरह के फ्लावर्स हैं, ये कहीं पे भी बूटी मिल जाएगी। नहीं तो आपके पास कुछ भी हो बना सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो आप इसमें। या मैंने अपने वीडियो में सिखाया था आपको, वैसे उस तरीके से बना सकते हो। ये रेडी गणपति मिलते हैं। अगर आपके पास ऐसा रेडी गणपति नहीं हो तो आप माउंट बोर्ड पे कटिंग करके भी बना सकते हैं, नहीं तो और भी कुछ इस पर लगा सकते हैं जो आपके पास में हो। ये इस तरह के हैंगिंग बनाने के लिए मैंने छोटी बूटी का यूज किया है। इसके अंदर कुछ रिबन के टुकड़े, इसमें मैंने सथिया यूज किया है। इस तरह के मोती इसमें धागे में पिरो के यूज किए हैं। आपके पास जो सामान हो बेसिकली आप उससे बना सकते हैं। चलते हैं, सबसे पहले हम इस तरह का बनाएंगे। इसके लिए फोम शीट लेंगे हम। सबसे पहले हम फोम शीट को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। आप चाहिए तो ये फेविकोल से भी कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे व्यूवर्स पूछते हैं हमारे पास ग्लू गन नहीं हो तो हम क्या करें। मैंने बार बार वीडियोस में बताया कि आप फेविकोल का इस्तेमाल करके भी सब चीजें बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास में ग्लू गन हो। इस तरह से देखिए, इसकी प्लेसिंग पहले देख लेते हैं हम यहाँ पर, और इसे हम चिपका देंगे। ग्लू गन का इस्तेमाल मैं सिर्फ इसलिए करती हूँ क्योंकि ये फास्ट हो जाता है। अगर नहीं हो तो आप इससे भी बना सकते हैं, फेविकोल से भी बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से चिपका दिया हमने से। अब इस पर हम सबसे पहले इस तरह की जो लाइन है, ये मैंने मोती की लाइन ली है, गोल्डन मोती की। आपके पास डायमंड की लाइन हो वो भी चलेगी, या आपके पास ये सब नहीं हो तो आप स्टोन भी यूज कर सकते हैं। मैंने पहले बताए हुए स्टोन्स आपको, छोटे छोटे स्टोन्स की भी आप लाइन लगा सकते हो इसमें, जिस तरह की मैं इस तरह इसमें लगाऊंगी मोती की माला की। ये देखिए, ये मैं फेविकोल से लगा रही हूँ क्योंकि इतना बारीक ग्लू गन से ग्लू निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत सिंपल है, इसे हम चारों साइड लगा लेंगे डबल डबल करके। आप चाहें तो पहले से भी साइज इसका ले सकते हैं। इस तरीके से हम अंदाजे से थोड़ा सा गैप छोड़ के एक लाइन और ले लेंगे। और इसे इस तरह से लगा देंगे। इसी तरह हम इसे चारों तरफ से लगा देंगे। इसे सबसे पहले नीचे लगाने के बाद में मैं ऊपर लगा रही हूँ, फिर जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें हम लगाएंगे। देखिए, हमारा चिपक गया है। इसे थोड़ा सूखने का इंतजार करेंगे क्योंकि फेविकोल है, सूखने में टाइम लेता है। अभी देखिए, इस तरह का ओम है, मैंने ये लगा रखा है। आप सथिया हो, कुछ भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये ऐसी ओम सथिया ना हो तो आप 3D आउटलाइनर से भी इस पर ओम सथिया लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये खरीदना ही पड़ेगा, आप किसी और चीज से भी लिख सकते हो। स्टोन से लिख सकते हो, 3D आउटलाइनर से लिख सकते हो। इसे हम इस तरह से सेंटर पर लगा देंगे। सूखने का थोड़ा वेट करेंगे और सूखने के बाद हम पीछे इस तरह का डबल टेप आता है वो हम लगा देंगे इस तरीके से। चलिए अब दूसरा बनाएं। देखिए, इसके लिए मैंने बूटी ली है इस तरीके की। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें बनाने में, तो बस क्रिएटिविटी है। ये देखिए, इस तरह से बूटी को हमें इस तरीके से हम इसे असेंबल करेंगे इस तरह से। इसे दोनों को साथ में रखने के लिए देखिए, मैंने रिबन में
धागे में, सॉरी धागे में मोती पिरोया है, इसे हम इस तरीके से इसे चिपका देंगे वुवन की हेल्प से हम। पहले हम एक थ्रेड को चिपका देते हैं सेंटर पर। अब हमें सब मोती पीछे सरका देंगे और इसे दूसरी तरफ भी चिपका देंगे। इस तरीके से अब फिनिशिंग के लिए हम ये रिबन लेंगे। इसे रिबन को इसके ऊपर हम इस तरह से चिपका देंगे ताकि मजबूती भी आ जाए और फिनिशिंग भी आ जाए। और हम ये एक्स्ट्रा थ्रेड को कटिंग कर देंगे बिल्कुल इसी तरह। हम इधर भी एक रिबन लगा देंगे ताकि थोड़ा हमारा थ्रेड मजबूत हो जाए। एक छोटा सा सतिया है ये हम इस पर बीच में लगा देंगे। हल्का सा हम टूलकन अप्लाई करेंगे, चाहे तो आप फेविकोल यूज करके भी कर सकते हैं इस पर भी। और सतिया को हम लगा देंगे इस तरीके से। ये भी सूखने के बाद में इसे भी पीछे इस तरह का डबल टेप हम लगा देंगे ताकि दीवार पे चिपकाने में इजी रहे। चलिए अब एक और बनाते हैं हम। इस तरह का होगा कुछ। इसके लिए हमने इस तरह के गणपति और ये छोटे छोटे फ्लावर्स लिए हैं। सबसे पहले हम ये दो बूटी को आपस में इस तरीके से चिपकाएंगे। हम ग्लू गन की हेल्प ले लेंगे। दो बूटी चिपकाने के बाद में थोड़ा गीला है ये, गर्म है ये। एक बूटी को हम इस तरह के दोनों से नीचे लगाएंगे इस तरीके से। तो हम यहाँ पर हल्का सा ग्लू गन ले लेंगे और इसे इस तरीके से चिपका देंगे। ये देखिए इसे चिपकाने के बाद में अब ये गणपति हम लेंगे। वैसे तो ये इजीली मिल जाते हैं मार्केट में। अगर आपको नहीं मिले तो आप बना भी सकते हैं, या गणपति की जगह आप सतिया ओम वगैरह भी कुछ भी आप लगा सकते हैं। इस तरह से इसके हम सेंटर पर लगा देंगे इस तरीके से। अब इसमें हम लटकन लगाएंगे। इसके लिए मैंने ये वाले ही मोती लिए हैं। छोटा सा टुकड़ा मैंने ले लिया है, इसे रैंडमली हम पकड़ लेंगे हाथ में। देखिए इस तरह से मैंने एक लटकन जैसा बना लिया है छोटे बड़े मोती को लेकर, और इसे ऊपर से मैंने कट भी कर दिया। अब इसे यहाँ पे हम इस तरीके से ग्लू गन की हेल्प से पूरा चिपका देंगे। अच्छे से लगा देंगे हम यहाँ पे नीचे, और इसे हम पकड़ के इस तरह से इस पर रख देंगे। साथ में हम थोड़ा और ग्लू गन लगाकर एक बूटी और है इसे हम लगा देंगे। फिनिशिंग भी हो जाएगी इससे हमारी, और ये लटकन भी सारी मजबूती से चिपक जाएगी। 2 मिनट हम सूखने का इंतज़ार करेंगे। ये लगने के बाद में हम इस पर भी डबल टेप लगा देंगे ताकि ये दीवार पर आसानी से चिपक जाए। इस तरह की इसे सून भी कहते हैं। इसे ना राखी पर यूज लगाते हैं दीवारों पर, और इसकी पूजा की जाती है। तो इसे कुछ हम अलग तरीके से बनाया है आज हमने। ये देखिए ये हमारा रेडी हो गया है इस तरीके से। देखिए इस पर मैंने डबल टेप भी लगा दिया है। डबल टेप बन लग के रेडी हो गए हैं।
हमारे सूंड रेडी हो गए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम कुछ और नया लिखेंगे, तब तक के लिए बाय।